एंड वेलकम टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो। तो जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर ग्रेविटेशन, और कल की क्लास में हमने पढ़ा था सम डे टू डे एप्लीकेशंस ऑफ द प्रेशर। आज की क्लास से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं विच इज रिलेटेड टू प्रेशर ओनली, एंड दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। बेसिकली अभी जो हमने प्रेशर पढ़ा था वी जस्ट रेड इट इन नॉर्मल टर्म्स, और बट नाउ बीइंग मोर स्पेसिफिक we are going to study about the pressure in fluids. Basically यहाँ पे हम fluids में उनकी बात कर रहे हैं जो easily flow कर सकते हैं। We are not talking only about liquids, but हम उन fluids की बात कर रहे हैं जो easily flow कर सकते हैं, and the matter or the substances which can flow easily are the liquids and gases. तो यानी कि जब भी हम fluids की बात करेंगे we are talking of both, that is liquids and gases. तो हमने अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यू टॉपिक, दैट इज द प्रेशर इन लिक्विड्स, यानी कि लिक्विड्स सॉरी प्रेशर इन फ्लूइड्स, यानी कि जो लिक्विड्स और जो गैसेस होती हैं वो दोनों कैसे प्रेशर जनरेट कर सकती हैं। नाउ एज वी ऑल नो दैट प्रेशर इज एग्जर्टेड बाय वेट। बेसिकली हमें पता है कि जो प्रेशर होता है वो फोर्स की वजह से होता है, एंड फोर्स इज ऑलमोस्ट वेट, बिकॉज वी जब हमने वेट की डेफिनेशन पढ़ी थी वी स्टडी दैट वेट इज अ फोर्स। सो जो प्रेशर होता है वो किसकी वजह से जनरेट होता है, ड्यू टू द वेट ऑफ एन बॉडी और वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमें ये पता है कि जिस भी बॉडी का वेट होगा ऑब्वियसली वो बॉडी कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करेगी, एंड इन द सेम केस वी नो कि जो हमारे लिक्विड्स और गैसेज होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ वेट होता है। हम चाहे किसी लिक्विड को ले लें लाइक वाटर और एनी अदर लिक्विड, या फिर हम गैसेस में ले लें लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आप किसी भी गैस या किसी भी लिक्विड को ले लोगे देन दे पोजेस सम वेट, यानी कि जो लिक्विड्स और गैसेस हैं या फिर जो फ्लूइड्स हैं अगर इनमें वेट होता है तो इसका मतलब कि ये भी कुछ ना कुछ प्रेशर जनरेट करते हैं। सो दैट्स व्हाई वी विल बी स्टडिंग अबाउट प्रेशर इन fluids. Now the next point is given to us that is very interesting. A fluid, it exerts the pressure in all directions. Basically जो fluids होते हैं that is the liquids and gases, वो अपने आसपास हर एक direction में pressure exert करते हैं, and even in the upward direction. यानी कि जो fluids होते हैं that is liquids and gases, वो हर एक डायरेक्शन में नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट हर डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करते हैं, एंड इवन दे अप्लाई फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। यानी कि अगर कोई फ्लूइड है तो वो अपने से ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में भी फोर्स या फिर प्रेशर अप्लाई करते हैं। Let us study in another topic that is buoyancy. Basically buoyancy क्या होता है इसको समझने के लिए we will start with doing up some activities. इस activity के लिए आपको क्या करना है, just take a tub or anything in which you can hold water or some quantity of good water, right? तो हमने एक tub लिया है उसमें हमने water fill किया है, and then take a piece of cork, उसको आप water में प्रेशर लगा के इमर्स करने की कोशिश करो। यानी कि लाइक सपोज ये टब है, इसमें मैं वाटर है और इसमें मैं कॉर्क को डुबाने की या फिर इमर्स करने की कोशिश करती हूँ, तो मैं कॉर्क पे फोर्स अप्लाई करूँगी, और जब मैं फोर्स अप्लाई करूँगी इस कॉर्क पे तो ये जो कॉर्क है ये अपनी पोजीशन चेंज करके वाटर के अंदर चला जाएगा। जैसे ही मैंने अपने हैंड से या फिर किसी भी तरीके से फोर्स अप्लाई किया तो ये जो कॉर्क का पीस था ये पानी के अंदर चला गया। लेकिन जैसे ही आप अपने हैंड को कॉर्क के ऊपर से हटाओगे, जैसे ही जो आप फोर्स लगा रहे थे वो हटेगा, वैसे ही आप ऑब्जर्व करोगे कि इतनी जल्दी ये जो कॉर्क का पीस हमने वाटर में इमर्स किया था ये वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर लाइक दिस इस पोजीशन पर आ जाएगा। ये आप एक्टिविटी करके देख सकते हो। द फर्स्ट एक्टिविटी कि आप एक बाथर लेना, उसमें पानी में कॉक को इमर्स करने की कोशिश करना। जब आप अपने हाथ से प्रेशर लगाओगे तो एक मिनट के लिए वो कॉक अंदर चली जाएगी, लेकिन जैसे ही
आप फोर्स अप्लाई करना बंद कर दोगे, वैसे ही ये जो कॉक का पीस है ये पानी से निकल कर वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। अब हमारे माइंड में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ, जैसे हमने अपना फोर्स बंद किया तो ये ऊपर कैसे आ गया। अब अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे थे तो उस केस में तो इसको जिस पोजीशन में छोड़ा गया था उसी पोजीशन में रहना चाहिए था, लेकिन ये जो कॉक था अपनी इस टेम्परेरी पोजीशन से हटकर वापस अपनी पोजीशन पे आया, यानी कि कोई ना कोई फोर्स तो लगा होगा कॉक पे जिसकी वजह से वो ऊपर आया, एंड दैट इज द फोर्स अप्लाइड बाय वाटर। जो वाटर था उसने इस कॉक पर अपवर्ड फोर्स लगाया, अपवर्ड प्रेशर लगाया, जिसकी वजह से ये कॉक जब हमने अपना हैंड रिलीज किया तो ये वापस अपनी जगह पर आ गया। यानी कि फर्स्ट एक्टिविटी से हमने क्या पढ़ा कि जो वाटर या फिर कोई भी और लिक्विड, वाटर और एनी अदर लिक्विड, वाटर या फिर किसी भी और लिक्विड में अगर आप किसी चीज़ को इमर्स करने की कोशिश करते हो तो जो वाटर या फिर कोई भी जो दूसरा लिक्विड है वो एक अपवर्ड फोर्स या फिर अपवर्ड प्रेशर लगाता है उस ऑब्जेक्ट पर। तो फर्स्ट एक्टिविटी से हमने पढ़ा कि फ्लूइड्स दे कॉन्ट्रीब्यूट और दे अप्लाई अपवर्ड फोर्स, राइट। तो ये हमने फर्स्ट एक्टिविटी से पढ़ा कि जो फ्लूइड्स होते हैं वो एक अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, जैसे कि इस केस में वाटर ने लगाया, वाटर ने अपना अपवर्ड फोर्स लगा के कॉर्क को वापस उसकी पोजीशन, असली पोजीशन पर पहुंचा दिया। नाउ वी विल डू एन अनदर एक्टिविटी ताकि हम बायंसी को अच्छे तरीके से समझ सकें। एक्टिविटी में हमने क्या किया है, अगेन उसी टब में या फिर जिस बीकर में आपने वाटर लिया था उसी में आप एक स्टोन को डालो ताकि जो वो स्टोन है वो बीकर के एंड पे जाकर बॉटम पे सेटल हो जाए। अब आप देखोगे कि जो वो स्टोन होगा ऑब्वियसली वो बीकर के एंड पे सेटल हो गए। नाउ व्हाट यू हैव टू डू कि आपको उस बीकर में से इस स्टोन को बाहर निकालना है। जब आप इस स्टोन को बाहर निकालोगे तो आप दो चीज़ें ऑब्जर्व करोगे, जब ये स्टोन वाटर के अंदर है देन यू विल फील दिस स्टोन टू बी लाइटर, और जैसे ही इस स्टोन को आप बाहर निकालोगे इट विल बिकम हैवियर एज कम्पेयर टू व्हेन इट वाज इन वाटर। यानी कि ये जो स्टोन है जब ये वाटर में था तो हमने ऑब्जर्व किया कि ये अपने नॉर्मल वेट के कंपैरिजन में हमें थोड़ा लाइट फील होता है, लेकिन जैसे ही हम स्टोन को बाहर निकाल लेंगे तब से जिसमें वाटर या फिर कोई भी लिक्विड था, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि जो स्टोन था वो वाटर के अंदर के कंपैरिजन में हैवियर हो गया है। इसके लिए आप एक और एग्जांपल कर सकते हो कि बेसिकली एक बकेट लो और उसमें एक लाइक मग डालो और उसमें पूरा पानी भरा होना चाहिए। जब आप उस मग को निकाल रहे होगे ना और जब वो वाटर में होगा वो मग, देन यू विल फील दैट मग filled with water to be lighter as compared to when you take out that mug filled with water। यानी कि ये तो एक स्टोन का केस था। दूसरे केस में अगर लाइक सपोज ये मैंने एक छोटा सा मग बनाया, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, इसको मैंने इसके वाटर में प्रेशर लगा के रखा और फिर उसके बाद जब मैं इसे निकालूंगी वाटर में मेरे को फील होगा कि ये जो मग है ये लाइटर है एज कम्पेयर टू जब मैं इसे बाहर निकाल दूंगी। तो इस एक्टिविटी से हम एक और चीज़ कंक्लूड करते हैं कि किसी भी लिक्विड में या फिर वाटर में ही जब भी कोई चीज़ होती है तो उसका थोड़ा सा वेट कम हो जाता है। यानी कि जब हमारा कोई भी सब्सटेंस लिक्विड के अंदर होता है तो उस टाइम पे उस सब्सटेंस का वेट कम हो जाता है, दैट इज सब्सटेंस बिकम्स लाइटर। तो ये जो दो हमने एक्टिविटीज पढ़ी इनसे हमने दो कंक्लूजन्स निकाले थे। फर्स्ट वन, जो फ्लूइड्स होते हैं वो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, एंड द सेकेंड वन की जो लिक्विड्स होते हैं उनके अंदर हम जो सब्सटेंसेस रखते हैं वो हमें लाइट वेट वाले फील होते हैं। नाउ
लेटर स्टडी कि बायंसी में आपने जो दो एक्टिविटीज पढ़ी इनसे आखिर बायंसी का रिलेशन क्या है. लेट मी टेल यू, यू हैव स्टडीड बायंसी. यस, दिस इज बायंसी, द फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स और बाय द फ्लूइड्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज कॉल्ड बायंसी. यानी कि जब हमारे फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस वो किसी एक सब्सटेंस पे अपवर्ड फोर्स लगाते हैं, देन दैट अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स इज रेफर्ड टू एज बायंसी. सो बायंसी क्या होती है, जब हमारे फ्लूइड्स किसी भी सब्सटेंस पे अपवर्ड प्रेशर या अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करते हैं, देन दैट इज रेफर्ड टू एज बायंसी. एंड दैट एंड दिस प्रॉपर्टी इज ओनली पोजेस्ड बाय द फ्लूइड्स दैट इज लिक्विड्स एंड गैसेस. The property of buoyancy is not possessed or not exhibited by the solids. तो अभी हमने पढ़ा buoyancy क्या होती है. Now the next term is given to us, buoyant force. अब हम देखते हैं कि basically buoyancy और buoyant force में actual में difference क्या है. Basically buoyancy is the tendency of fluids. Buoyancy, it is the tendency of fluids to exert upward pressure. Upward pressure or force. Right? तो buoyancy क्या होती है? Fluids की एक characteristic या फिर fluids की tendency कि वो हमेशा अपवर्ड फोर्स अप्लाई करते हैं. एंड व्हाट इज बायंट फोर्स, बायंट फोर्स इज द अपवर्ड फोर्स अप्लाइड ड्यूरिंग बायंसी और अपवर्ड फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लूइड्स. यानी कि बेसिकली जो अपवर्ड फोर्स फ्लूइड्स लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, बायंट फोर्स. और बायंसी क्या होती है, फ्लूइड्स की एक टेंडेंसी या फिर फ्लूइड्स की एक ऐसी करेक्टरिस्टिक की वो हमेशा या फिर वो अपवर्ड फोर्स लगाती हैं. सो बेसिकली जो बायंट फोर्स है वो क्या हुआ, अपवर्ड फोर्स विच इज एक्सर्टेड बाय द लिक्विड्स. और बायंट फोर्स को हम अप थ्रस्ट भी कहते हैं. अब बेसिकली हम इसे अप थ्रस्ट क्यों कहते हैं, हम इसके नाम से ही बताएंगे कि इसे अप थ्रस्ट क्यों कहते हैं. क्या मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकती हूँ, अप एंड थ्रस्ट. थ्रस्ट का मतलब मुझे पता होता है क्या होता है, थ्रस्ट का मतलब इट इज़ अ काइंड ऑफ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन. और अप का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यानी कि जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है उसे हम कहते हैं अप थ्रस्ट या फिर बायंट फोर्स. सो बायंसी क्या होती है, एक टेंडेंसी फ्लूइड्स की जिसकी वजह से वो अपवर्ड डायरेक्शन में प्रेशर या फिर फोर्स लगाते हैं. और उस अपवर्ड फोर्स को जो फ्लूइड्स लगाते हैं उसे हम कहते हैं बायंट फोर्स या फिर अप थ्रस्ट. तो अभी हमने पढ़ा बायंसी के बारे में और बायंट फोर्स के बारे में. Now the next topic is what are the factors that affect the buoyant force. Basically आपने खुद भी ऑब्जर्व किया होगा कि जो different different objects होते हैं जब आप उनको water में डालते हो तो उनका different different reaction आते हैं. यानी कि कुछ objects तो जो है वो sink हो जाते हैं water में, या फिर कुछ objects को जो water है वो upward buoyant force करके upward फोर्स लगा के ऊपर ला देता है. सो डिफरेंट डिफरेंट आपने रिएक्शंस देखे होंगे. एंड बेसिकली ये जो डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस वाटर या फिर जो फ्लूइड्स ऑब्जर्व फ्लूइड्स शो करते हैं दैट आर ड्यू टू द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बायंट फोर्स. यानी कि किस ऑब्जेक्ट में कितना बायंट फोर्स अप्लाई करेगा वो फ्लूइड, वो दो फैक्टर्स पे मेनली डिपेंड करता है. सो दीज आर द टू factors on which buoyant force is dependent on. The first one is volume of the object immersed in liquid. यानी कि basically इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम solid fluid में या फिर जो liquid है उसमें हम immerse कर रहे हैं
उसकी वॉल्यूम के हिसाब से भी हमारा बाय एंड फोर्स डिटरमाइन होता है। यानी कि जो अगर हमारा सॉलिड ऑब्जेक्ट है, अगर उसकी वॉल्यूम इंक्रीज होगी या फिर उसकी वॉल्यूम ज़्यादा होगी तो हमारा बाय एंड फोर्स जो है वो भी ज़्यादा होगा। यानी कि देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट इमर्ज इन लिक्विड एंड द बाय एंड फोर्स। अगर आप लाइक सपोज एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को इमर्ज करते हो लिक्विड में जिसकी वॉल्यूम है लाइक 10 क्यूबिक, तो उसकी जो बाय एंड फोर्स होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑब्जेक्ट जिसकी वॉल्यूम माइट बी 100 क्यूबिक होगी। तो जितनी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो वॉल्यूम होगी उस पर डिपेंड करेगी बाय एंड फोर्स का मैग्नीट्यूड इन द डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि वॉल्यूम ज़्यादा तो बाय एंड फोर्स भी ज़्यादा, और अगर वॉल्यूम कम तो बाय एंड फोर्स भी कम। और इसमें आपको एक और ध्यान रखने वाली बात है कि जो हमारा बाय एंड फोर्स होता है वो वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। यानी कि जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, ना कि वो किस चीज़ का बना हुआ है, दैट इज द सब्सटेंस। वो सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है तो वो जल्दी इमर्स हो जाएगा या फिर उसमें बाय एंड फोर्स ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू जो एल्यूमिनियम का है। जो बाय एंड फोर्स है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के शेप या फिर उसका जो सब्सटेंस, जिस सब्सटेंस से वो बना हुआ है, जिस मटेरियल से वो बना हुआ है, उसको इग्नोर करता है। वो सिर्फ देखता है वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट। यानी कि अगर हमारे पास दो मटेरियल है जिनकी सेम वॉल्यूम है तो वो दोनों ही सेम, उन दोनों पे ही सेम बाय एंड फोर्स अप्लाई होगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कॉम्पोजिशन। तो जो बाय एंड फोर्स है वो कॉम्पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करता है बल्कि उसकी वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। द नेक्स्ट फैक्टर इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। बेसिकली जो हमारे लिक्विड्स होते हैं उनकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है बाय एंड फोर्स। अगेन दिस इज इन डायरेक्ट रिलेशन। यानी कि अगर हमारी डेंसिटी ज़्यादा तो बाय एंड फोर्स भी ज़्यादा, और अगर डेंसिटी कम तो बाय एंड फोर्स भी कम। यानी कि अगर जो हमारा लिक्विड है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है तो वो लिक्विड ज़्यादा बाय एंड फोर्स अप्लाई करेगा, और अगर उस लिक्विड की डेंसिटी कम है तो वो लिक्विड बाय एंड फोर्स भी कम अप्लाई करेगा। अब इसके लिए मैं आपको दो एग्जांपल देती हूँ। फर्स्ट एग्जांपल है कि बेसिकली जो स्विमर्स होते हैं उनके लिए सी वाटर में स्विम करना ज़्यादा ईजी होता है। अब बेसिकली जो स्विमर्स होते हैं उनके लिए सी वाटर में स्विम करना ज़्यादा ईजी क्यों होता है? क्योंकि जो सी वाटर होता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। अब बेसिकली जो सी वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है जिसकी वजह से सी वाटर ज़्यादा बाय एंड फोर्स अप्लाई करेगा ऑन द स्विमर, और जो स्विमर है वो ईजीली स्विम कर पाएगा एज़ कम्पेयर टू द फ्रेश वाटर। एंड सेकेंड एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि बेसिकली मरकरी, यू ऑल मस्ट बी नो दैट मरकरी इज़ अ लिक्विड। मरकरी की डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि जो मरकरी है उसमें अगर आप आयरन भी डालते हो दैट ऑल्सो फ्लोट्स। यस, जो मरकरी है उसकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा है, वो इतना ज़्यादा बाय एंड फोर्स अप्लाई करती है जिसकी वजह से आयरन जो एक हैवी मेटल है उस पर भी बाय एंड फोर्स एक्ट करता है मरकरी का। सो दीज आर द टू इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स और द टू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द बाय एंड फोर्स अप्लाइड बाय एनी लिक्विड और एनी फ्लूइड। द फर्स्ट वन इज द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट जो हम लिक्विड में डालते हैं, ना कि उसका कॉम्पोजिशन। द सेकेंड वन इज जो फ्लूइड जो बाय एंड फोर्स अप्लाई करेगा उसकी डेंसिटी। तो आज ही क्लास में हमने पढ़ा प्रेशर ऑफ फ्लूइड्स एंड उसके साथ हमने पढ़ा बायंसी के बारे में। तो आज ही क्लास हम यही ख़त्म करते हैं। डू लाइक आवर वीडियोज एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल ग्राउंडेड टू ग्रो फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज। थैंक यू।